नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंक्रीटिंग इक्विपमेंट के ऊपर। साइट में ये जो आज का सेशन हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो लोग साइट पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं या 10th 12th पास हैं, सुपरवाइजर हैं, फोरमैन हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ताकि वो समझ पाए। कंक्रीटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कंक्रीटिंग बहुत हमने सुना है, कंक्रीटिंग करते कैसे हैं, कंक्रीटिंग प्रोड्यूस कैसे होती है, कंक्रीटिंग को ले कैसे करना है, देन कंक्रीटिंग को उसकी फिनिशिंग कैसे करनी है, और उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट टूल्स हमको यूज होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जीरो से लेकर के एंड तक अपने को पूरा नॉलेज ब्रीफली मिल जाए। डिटेल में हम ना जाएंगे, लेकिन जितना उनका यूज है, पर्पस है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तो उतने समझ तक हम इसको कंसंट्रेट करेंगे। कंक्रीटिंग करने के लिए मेजर जो इक्विपमेंट है उनमें एक है बैकहो लोडर। बैकहो लोडर कहाँ काम आता है कंक्रीटिंग में? बैकहो लोडर बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, लाइक मेरे सीमेंट बैग को कैरी करता है, एग्रीगेट को कैरी करता है, और ये सब चीजों को बैचिंग प्लांट में एग्रीगेट को फीड करेगा। उसके लिए हमको एक जेसीबी या बैकहो लोडर जिसको बोलते हैं, जेसीबी एक चलन है बट उसको हम बैकहो लोडर बोलते हैं टेक्निकली, ये हमें काम आता है। डंपर, डंपर हमें किस लिए चाहिए? एग्रीगेट को कैरी करने के लिए, सीमेंट के बैग्स को कैरी करने के लिए, बैचिंग प्लांट तक उसको पहुंचाने के लिए डंपर हमें काम आता है। तो ये डंपर हमारा एक इक्विपमेंट बहुत जरूरी है कंक्रीटिंग में। वाटर टैंकर, बैचिंग प्लांट को पानी वाटर प्रोवाइड करने के लिए हमें वाटर टैंकर चाहिए, वाटर कैरियर चाहिए जो कि बैचिंग प्लांट को पानी पहुंचाए, और कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये तीनों चीज को कैरी करने के लिए हमने बात कर ली है। सीमेंट और एग्रीगेट डंपर से आ सकते हैं, जे बैकहो लोडर से कैरी हो सकते हैं। पानी हमारा कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए वाटर टैंकर से आ जाएगा। लोडर ये भी हम लोग कई बार यूज करते हैं बैचिंग प्लांट में एग्रीगेट को ऊपर पुश करने के लिए बैचिंग प्लांट की तरफ, तो ये लोडर कहलाता है। ये है हमारा बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट बहुत तरह के होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा साइलो होता है। आजकल चलन चल गया है कि सीमेंट बैग के लिए बेसिकली लेबर नहीं मिलते हैं अपने को काम करने के लिए, और क्राइसिस होता है लेबर का, तो हम लोग सीमेंट बल्कर से ये जो लंबा वाला स्ट्रक्चर है इसको साइलो बोलते हैं, इसमें सीमेंट भर देते हैं, और पीछे देखेंगे हम बिन में सीमेंट इसमें साइलो में आ गई, सैंड एग्रीगेट पीछे बिन में भरे रहते हैं। ऑपरेटर ऑपरेट करता है पानी वाटर लाइन के थ्रू, एंड सेम सीमेंट भी अपना पाइपलाइन के थ्रू उस कंप्रेस एयर से पहुंचती है, इसे बैचिंग प्लांट बोलता है। ये साइट पर छोटे अगर लेवल पर हमको कंक्रीट प्रोड्यूस करना है या लैब में कुछ मिक्स डिजाइन करना है तो ये छोटा सा कंक्रीट मिक्सचर हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी हमारे कंक्रीटिंग में काम आता है। कंक्रीट प्रोड्यूस होने के बाद कंक्रीट को साइट पे ले जाने के लिए ट्रांजिट मिक्सचर जिसको बोलते हैं, इसमें पीछे वाला जो उसका रोटेटिंग पार्ट है इसमें कंक्रीट घूमता रहता है। 1 से 1.5 घंटे तक हम इसको कैरी कर सकते हैं ताकि कंक्रीट की जो कोहेसिवनेस है वो बनी रहती है, होमोजेनिटी जो है वो कंक्रीट की बनी रहती है, कंक्रीट का मिक्स वैसा का वैसा ताजा जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनको यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे व्हील बैरो से यूज कर सकते हैं, जेसीबी जो हम बैकलोडर की बात करते हैं उससे भी कंक्रीट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट उससे बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसमें रख नहीं सकते, 15 20 मिनट 25 मिनट में अगर पोर करना है तो उसको कैरी कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिट मिक्सचर है। कंक्रीट को डालना कैसे है साइट पर, उसके लिए बहुत सारी इक्विपमेंट हैं जिनमें से एक है कंक्रीट बूम प्लेसर। हमने कई बार जो साइट पर देखा होगा, कंक्रीट अगर हमारा रोड से या फिर मेन अप्रोच से बहुत दूर है तब ये इक्विपमेंट यूज होता है, या फिर बहुत हाइट पर है लाइक कूलिंग टावर, चिमनीज, हाई राइज बिल्डिंग, तो भी ये अपना बूम प्लेसर इसकी यूज है। टावर क्रेन, कूलिंग टावर और चिमनी बड़े जो होते हैं 160 मीटर या 275 मीटर हाइट के, उनके कंक्रीटिंग करने के लिए, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, उनके लिए टावर क्रेन ही एक प्रूव मेथड है जो कि जाना जाता है कि फेमस मेथड है, सेफ मेथड है। इसमें कंक्रीट बकेट्स होती हैं, कंक्रीट बकेट नीचे आदमी ट्रांजिट मिक्सचर से फिल होती हैं एंड टावर क्रेन उसको उठा करके लिफ्ट करके अपनी जगह पे प्लेस करवा देती है।
ये कंक्रीट पंप होता है। कंक्रीट पंप वेरियस टाइप के होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है उनकी। कैपेसिटी और टाइप्स के बारे में हम डिटेल में किसी अगले सेशन में ढंग से बात कर लेंगे, लेकिन कंक्रीट पंप बेसिकली सेम बूम प्लेसर जैसा काम करता है। थोड़ा सा मैनुअल इसमें काम ज्यादा होता है, पाइपलाइन करने की गैंग इसमें स्पेशलाइज होनी होती है। सेफ्टी के भी इशूज है, अगर वर्टिकल पाइपलाइन करेंगे तो भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये भी एक इक्विपमेंट है जो कि कॉन्क्रीटिंग में हमको यूज होता है, कॉन्क्रीट पंप करने के लिए। कॉन्क्रीट पंप करने के बाद कॉन्क्रीट हमको हैंडल करनी है तो कुछ साधन हमको चाहिए होते हैं, लाइक व्हील बैरो। अगर हमने टावर क्रेन से ले रहे हैं तो व्हील बैरो में छोटी छोटी मात्रा में कंक्रीट लेकर के, छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेकर के उसको डेजिग्नेटेड एरिया में जाकर के हमारे मैनुअली लेबर इसको पुश करती है। तो जो पहला वाला फिगर है वो व्हील बैरो है। कंक्रीट जब हम कर रहे हैं तो हमारे लेबर के पास दो तरह की पीपीज बहुत जरूरी होने चाहिए। एक तो उसके पास गमबूट होना चाहिए और उसके पास रबड़ के ग्लव्स होने चाहिए। ये दोनों होने से उसकी सेफ्टी एंश्योर होती है। कंक्रीट प्लेस हो गया, उसके बाद कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करना होता है तो उसके लिए एक इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं नीडल वाइब्रेटर। ये डीजल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी हो सकता है। रोड वगैरह की जब कंक्रीट करते हैं या स्लैब बड़े छत डालते हैं तो स्क्रीड वाइब्रेटर, जो ये पूरा नीचे वाला जो फिगर है ये, इसको स्क्रीड वाइब्रेटर बोलते हैं। और ये अपने इसमें जो मोटर है उसको वाइब्रेट करने के लिए इसको पुश करती है और अच्छे से कॉम्पैक्शन होता है। ये बेसिक टूल्स हैं। पहला वाला फिगर जो है बीच में जो दिखाई देता है, ये टावर ट्रॉवल ब्लेड है, ट्रॉवल ब्लेड फिनिशिंग करने के काम आता है। एंड अगला जो नेक्स्ट पिक्चर है ये स्पेड, जिसको हम बेलचा बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये कंक्रीट को फिनिशिंग करने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जो ज्यादा कंक्रीट आ गया उसको आगे खिसकाने के लिए मैसन गैंग इसको यूज करते हैं। ये हमारे दो, ये भी फिनिशिंग के लिए काम आते हैं। लॉन्ग हैंडल फ्लोट इनको बोलते हैं बेसिकली। अगर रोड का जब काम कर रहे होते हैं तो दूर जहां तक पहुंच नहीं सकते, जब लास्ट फिनिशिंग स्टेज आती है तब इसको हम लोग यूज करते हैं, लॉन्ग हैंडल फ्लोट इसको बोलते हैं। रोड कॉन्क्रीटिंग या स्लैब फिनिशिंग में फाइनल स्टेज में इसको काम में लेते हैं। ये हमारा प्लेट कॉम्पैक्टर है। छोटे ग्रेड स्लैब, जब ऊपर टॉप लेवल का जब वाइब्रेशन करना होता है, अगर हमारे पास कोई और इक्विपमेंट नहीं है तो इस इक्विपमेंट से बहुत अच्छे से हम लोग माइनर लेवल पे कॉम्पैक्शन दे करके अपना कॉम्पैक्शन कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। दो तरह के ट्रॉवल हैं, एक है पावर ट्रॉवल और राइट हैंड साइड पर जो दिखाई दे रहा है वो है वॉक बिहाइंड पावर ट्रॉवल। पहले वाले में तो आदमी ऊपर बैठ के चलाता है, दूसरे वाले में उसके पीछे घूम करके उसको चलाएगा। ट्रॉवल बेसिकली लास्ट कोट कंक्रीट के फिनिशिंग के हल्का से ड्राई होने के बाद, जब उसमें बिल्कुल कम कम पानी हो, उस स्थिति में हम इसको यूज करते हैं। और ये एकदम ग्लास फिनिश हमारे को कंक्रीट में देती है, उसके लिए ट्रॉवल यूज होते हैं। बेसिकली इक्विपमेंट के बारे में हम जान रहे हैं कि कौन सा काम कौन सा इक्विपमेंट करता है, फिर पर्टिकुलरली हर इक्विपमेंट की गहराई और उसके बारे में जानकारी अलग अलग सेशन में हम बात कर सकते हैं। बट अभी एक बार ब्रीफली नॉलेज गेन कर रहे हैं कि कौन सा इक्विपमेंट क्या काम आता है, इक्विपमेंट की लिस्ट कंक्रीट के कॉन्ट्रेक्टर के पास कितनी होनी चाहिए, अगर हम किस किस सेट का काम कर रहे हैं तो एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में ये 19-20 इक्विपमेंट हमारे पास साइट पे होने चाहिए अगर कंक्रीटिंग का काम कर रहे हैं तो। वाइब्रेटरी स्क्रीड फिनिशर, ये दोनों जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें राइट हैंड साइड पे जो इक्विपमेंट दिखा है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो उसको ऑपरेट कर रहा है, अगेन ये हमारा रिजिड पेवमेंट रोड वगैरह, ये बड़ी स्लैब हम डाल रहे हैं नीचे ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पर, तो उसमें ये लेवलिंग करने के साथ साथ एक फिनिश कोट उसको देता है, इसको वाइब्रेटरी स्क्रीड फिनिशर बोलते हैं। तो लगभग हमने 19 इक्विपमेंट के बारे में बात किया जो कि कॉन्क्रीटिंग को यूज करने में कॉन्क्रीट को करने में यूज आते हैं। थैंक यू।